उज्जैन जिले के नागदा की श्रीराम कॉलोनी में घर से 14 वर्षीय बालिका को वहीं के रहने वाले राजाराम पिता भंवर सिंह ने दो बहनों के साथ घर से अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोगों की जागरूकता की वजह से यह कोशिश नाकाम रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। श्रीराम कॉलोनी की घटना है। 14 साल की बच्ची को एक आरोपी है राजपाल तथा भंवर सिंह रहने वाला ओझा कॉलोनी का अपनी दोनों बहनों के साथ इस बच्ची को भगाने का अपने प्रयास किया और सुबह 4:30 बजे की घटना है। तो ये खटखटाए बच्ची जैसे निकल के आई तो उन्होंने अपनी एक्टिवा गाड़ी जो है स्कूटी है उसमें बैठा कर ले जाने लगे। बच्ची ने चिल्लाया तो माँ और आसपड़ोस वाले आ गए। आरोपी तो भग गया था। दो महिलाओं को मौके पर पकड़ लिया गया और उसमें अपराध का लीगल चल लिया गया है। 363, 511, 354 पास किया। आरोपी कौन कौन है इसमें? आरोपी मुख्य आरोपी है राजपाल और इसकी दो बहनें हैं रीना और टीना। पिताजी का क्या नाम है? जी राजपाल है, जो हेल्परी का काम करता है किसी गाड़ी में हेल्पर है। और दो महिला एक पढ़ाई छोड़ चुकी है और एक महिला सिलाई का काम करती है। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ओझा कॉलोनी। ओझा कॉलोनी और जो फरियादी है ये भी ओझा कॉलोनी? फरियादी भी अपने नागदा का रहने वाला है।